पे भी गाड़ी रखते हैं तो उठा के लेके चले जाते हैं तो डर सा लगता है। गाड़ी की टाकी खोल देता हूँ, क्या कर लूंगा। 40 और 50 रुपीस का पेट्रोल डलवाते हैं, 50 तो अभी फ्यूल अप हो रहा है हमारे गाड़ी के अंदर 50 रुपए का, और फ्यूल अप करवा के निकलते हैं। और इसमें गाड़ी वाले को आगे जान देता हूँ, अभी मैं आपको आवाज सुनाऊंगा। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। न जाने यार ये बुलेट की बैटरी को क्या हो जाता है, बार बार डेड हो जा रही है। जब भी सेल मारने की कोशिश करता हूँ तो सेल लगता ही नहीं है। कभी कभार जब चला कर आते हैं और तब सेल मारोगे तो भी सेल लगता है, वरना ऐसे तो सेल लग ही नहीं रहा है। तो अभी हमारे शाम का वक्त हो चुका है और गाड़ी में पेट्रोल की कमी थी तो हम पेट्रोल डलवाते हैं। और एक दोस्त बोल रहा था कि उसको वीडियो बनाना है बुलेट पे, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने अपना ब्लॉग भी हो जाएगा छोटा वाला, तो इसीलिए मैंने अभी बाइक निकाली है। और उधर आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारी यामाहा गिरी पड़ी हुई थी शायद, तो कल या फिर परसों, अभी मेरा आदमी रजे पे है यानी कि उसके ऑफ डे चल रहे हैं, तो जब भी वो आएगा उसके दूसरे दिन ही यानी कि वो 2 दिन के बाद आने वाला है, तो 2 दिन के बाद हम वापस से इसका साइलेंसर पुराने वाला जो कंपनी के तरफ से दे रखा है वो डालेंगे और कहीं पर घूमने के लिए निकल जाएंगे अच्छी वाली जगह पे। और अभी मैंने कैमरे का एंगल सेट नहीं किया है तो मेरे को मालूम नहीं है कैसा व्यू आ रहा है, तो आप मेरे को ज़रूर बताना। मैं आगे की तरफ निकलता हूँ हाल फिलहाल में तेज़ी से, क्योंकि इधर पुलिस वाले के आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और आवाज़ आप सुनिए, चेक दिस आउट ब्रो, ये फटाके भी अपने आप छूट रहे हैं। अगर पुलिस वाले की गाड़ी आई तो वो लोग मेरे को आज पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने पिछली वाली ब्रेक डलवा रखी है और कंप्लीट ब्रेक भी लग रही है। इसकी ब्रेकिंग की बात ही क्या करूँ, और आप साइलेंसर का आवाज़ भी सुन ही पा रहे होंगे। ये ऑटोमेटिकली फटाकड़े फूट रहे हैं इसमें, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वापस शायद साइलेंसर तो नहीं बदल डाला, उतर के देखना पड़ेगा, मेरे को भी इतना कुछ पता नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, दोस्त का अभी फ़ोन नहीं आया वरना आपको आज नई शायद RX 100 देखने को मिल सकती है। तो सब लोग बोलते हैं ना कि जो रात का अंधेरा होता है वो ब्लॉगिंग के लिए अच्छा नहीं होता है, उसमें ब्लॉग अच्छा नहीं बनता है। बात सही है, रात के अंधेरे में वो कैमरे की फुटेजिंग थोड़ी फट जाती है। और मेरा जो माइक है ये बहुत बड़ा वाला माइक हो रखा है, तो ये माइक को भी हमको बदलवाना पड़ेगा। और अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, हम उस साइड सिटी में डलवा सकते थे पर उधर यार पुलिस वाले का खतरा आपको मालूम ही है, तो इसीलिए हम सीधा सीधा ही जा रहे हैं। डायरेक्ट हम डलवाएंगे बामटी में पेट्रोल। अबे चाचा साले लाइट तो नीचे करके चल, साला टू व्हीलर वाले को आँख पे पड़ रहा है तो उतना तो पता चलना चाहिए था ना। ये देखो ये लोग कैसे लाइट कम रख रहे हैं, साला कि आप में ही बुद्धि नहीं है क्या। एक बार तो इस गाड़ी का रिएक्शन चेक करना जैसा है, कहीं पर ना कहीं पर हम चेक कर ही लेंगे। इधर पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी रहती है अंदर की तरफ से, तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर सकते और हम सीधा सीधा ही निकल जाएंगे। देखते हैं आगे,
वो अगर देख दिखता है तो उधर खड़े रहेंगे, वरना तो फिर आगे वो नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर मैं आगे की तरफ ही निकलता हूँ, पेट्रोल डला के वापस आता हूँ। इसमें मैंने 3 के 4 दिन पहले 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया था और उसके बाद भी गाड़ी बहुत ज़्यादा घूम रखी है और इसमें मेरे को फटाके फोड़ना आया नहीं अब तक। अभी कब सीखते हैं वो देखते हैं आगे। और साउंड सुन लिया ब्रो, शायद तो मेरी भी फीकी पड़ जाएगी इसके सामने। साउंड फटाके के फोड़ने की ट्राई कर रहा हूँ पर फूट नहीं रहा है, ये देखो। पर साउंड ब्रो, साउंड सिंगल सीटर बाइक है तो लगेगी बहुत बेहतर। अभी जाते हैं, पहले पेट्रोल इंस्टॉल करवाते इस गाड़ी में, फुल टाकी नहीं करवाएंगे। आप उधर ही जाके चेक कर लेना कि कितने का पेट्रोल डाल रहा हूँ मैं, और आवाज़ भी एक बार उधर ही सुना देता हूँ मैं। इधर पेट्रोल डलवाने के लिए आ चुके हैं, पुलिस वाले की गाड़ी नहीं है तो ठीक है। इधर जब भी किधर साइड पे भी गाड़ी रखते हैं तो उठा के लेके चले जाते हैं तो डर सा लगता है। अभी पेट्रोल डलवाते, बाकी का बाद में देखते हैं। वाइजर बंद कर लिया है मैंने क्योंकि मेरा मुंह नहीं देखना चाहिए, मजा नहीं आता है। पहले गाड़ी की टाकी खोल देता हूँ। 40 रुपीज का हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, गरीब आदमी यार क्या कर लूंगा। ₹40 और ₹50 का पेट्रोल डलवाते हैं। और ये माइक को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा मुंह पे आ रहा है। 50 तो अभी फ्यूल अप हो रहा है हमारे गाड़ी के अंदर 50 रुपये का, और फ्यूल अप करवा के निकलते हैं। और इसमें हेलमेट में से भी अच्छा दिख रहा है। चेक दिस आउट ब्रो, बाइक को चेक कीजिए। और ये साइलेंसर भी बदल रखा है तो इसका मैं आवाज़ आपको सुनाता हूँ थोड़ी देर के अंदर। वैसे तो जो कंपनी की तरफ से देते हैं ना उसी को काट रखा है उसके अंदर से। सोचने वाले ने भी कैसे सोचा होगा। अपना फ्यूल अप हो चुका है और पैसा भी मैंने दे दिया है तो अभी निकलता हूँ आगे की ओर। हेलमेट के वाइजर के आगे धुंधला धुंधला सा हो रखा है, ये देख ही पा रहे होंगे कि अभी उसका सेल नहीं लग रहा है गाड़ी का। आवाज एक बार सुनिए, चेक कीजिए। मैं वाइजर खोल लेता हूँ, उधर मेरा मुंह देखता तो मेरे को शर्म आती। जो बात है मैं आपके सामने सच्ची बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने वाइजर बंद करके मुंह छुपा लिया था। एक बार पहले गियर में अपने आवाज़ सुनेंगे इस गाड़ी का, पर आगे इधर नहीं इधर सभी घर वाले होंगे, सो रहे होंगे। किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, खाली पीली किसी को कंटाल के क्या फ़ायदा। शायद वो अभी दोस्त आए तो आपको यामाहा देखने को मिलेगी दूसरी वाली, जो फुल मॉडिफाई हमसे अलग बना के रखी है उस भाई ने। उसने यामाहा को कुछ अलग ही बना के रखा है। अभी हमने फ्यूल अप करवा लिया है तो कम से कम उस दिन के चला है, फिर भी उस दिन अपने जो गए थे ना बड़ू माला उस दिन का फ्यूल अप करवा के रखा है 300 रुपये का, और उसके पहले मैंने डलवाया था 100-200 रुपये का, और आज का 50। तो यही कुछ अभी तक तो 150 रुपये का तो फ्यूल होगा इसी गाड़ी में। तो हम पहले गियर पे इस गाड़ी का कितना साउंड दे रहा है वो भी चेक करेंगे आगे जाकर। हम पुराना साइलेंसर जल्दी से जल्दी डालेंगे क्योंकि राइट पे जाना है और कहीं पर भी हमारे मेमो फट सकते हैं। मैं मेमे की बात क्यों ज़्यादा बार करता हूँ क्योंकि फटा ही इतनी बार है और पैसा भी बहुत घुस चुका है। उतना पैसा मैंने रखा होता ना तो R15 के वो मैंने डाउन पेमेंट से ज़्यादा कलेक्शन हो गया होता मेरा।
पर मैं क्या बताऊं यार, मेरे भाई लोगों ने इतना तो कटवा दिया तो फिर मैं तो क्या ही कर सकता हूं। तो हम पहले गियर पे सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अभी आप ये गाड़ी वाले को आगे जान देता हूं, अभी मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा। अभी आगे निकलते हैं वापस से। रिएक्शन देखिए ब्रो, कुछ ज्यादा ही भयानक रिएक्शन आ रहा है और साउंड भी गाड़ी का। तो आगे निकलता हूँ, मजा नहीं आएगा, अभी पुलिस वाले भी आ सकते हैं। तो आगे निकल के देखते हैं। वो आ ही गया अपना। ओए गधेड़, चलने कहाँ जाना, कहाँ जाए हम? नहीं यार, गाड़ी भी लेट ले आओ पड़े, गाड़ी ने गम्मे तार धक्को मारा पड़े, 50 रुपये में पेट्रोल लाखी ना आई वो, चल तू जा डे नहीं। तो इसी के गाड़ी के बारे में बात कर रहा था, फुल मॉडिफाई है यामाहा भी। आवाज भी सुनिए, और उसकी गाड़ी में धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है, हमारी गाड़ी में तो धुआं निकलने का नाम भी नहीं आएगा। ओ खराब, हाँ भरम साठ मजा लेता है बड़ा।